जेके टायर्स, क्या राय बनती है? मैडम अभी जो शुरुआत मेरी हुई है वो टायर स्टॉक्स को लेकर ही हुई है, एंड फंडामेंटली कुछ चीजें बदलने वाली है नहीं। तो टायर बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स है वो अगेन वही चीजें हैं सारी, की रबर के प्राइसेस ऊपर से कम हो गए हैं, क्रूड काफी प्रेशर में है, तो ये टायर स्टॉक्स के लिए थोड़ा सा सपोर्टिव है। जैसे कि मैंने बताया कि ये स्टॉक भी काफी बढ़िया है, अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन जो एक ही टायर का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहता है तो मेरा जो सजेशन है वो अपोलो टायर्स के लिए रहेगा। जेके टायर में चार्ट्स के ऊपर थोड़ा सा एक सीलिंग वाला डायवर्जन दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये सीलिंग वाला डायवर्जन बहुत टाइम तक सस्टेन करेगा, क्योंकि ये चार्ट जो है वो भी फिलहाल 15 मिनट्स के आसपास के मैं देख रहा हूँ, 30 मिनट्स के, और अगर डेली चार्ट्स के ऊपर भी देख रहे हैं तो एक थोड़ा सा निगेटिव डाइवर्जन को आने के लिए इसको 5-6 रुपए तक की तेजी यहाँ से और थोड़ी सी देखने मिल सकती है। लेकिन जो फंडामेंटल मतलब जो पोजिशनली रखना चाहते हैं 6 महीने 1 साल का व्यू, तो डेफिनेटली रख सकते हैं। फ्रेश बाइंग जो है वो थोड़ा सा डीप की गुंजाइश है, तो देखते हैं वहां पे अगर मिलता है तो जरूर लें, फिर 190 195 के आसपास। जी, तो ये थी राय जेके टायर्स पर।